हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबका बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। तो दोस्तों, आज ने एक नए चैलेंज में जो कि ट्रेन में मिलने वाली चना की चाट ईटिंग चैलेंज। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे पास दो प्लेट है, वो भी बड़ी बड़ी फुल भरकर, एक मेरे पास और एक पंकज भाई के पास। और दोस्तों, बता दूंगा आज मैं पूरा भींग चुका हूं, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। मैं जॉब करता हूं, तो जॉब के बाद आना था, मतलब चैलेंज करना था। आज चैलेंज थोड़ा मतलब लेट हो गया, तो चंदू भाई भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब बारिश में होगा सो देखा जाएगा। बारिश में मैं निकल आया और मोबाइल भी देखो दोस्तों, पैक करके लेके आया हूँ, जैसे भी देखो किस तरीके से मजे लेते आए, पूरा पूरा लुत्फ उठाया दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ट्रेन में, जैसे कि हम कभी सफ़र करते हैं तो 10 रुपये के इतने से चने मिलते हैं, मतलब चाट बना के देते हैं नींबू वगैरह और टमाटर वगैरह डाल के। तो मैंने भी सोचा कि कुछ क्यों ना ऐसे ही बनाया जाए, तो मैंने सब कुछ डाल दिया है, आलू प्याज और क्या कहते हैं नींबू निचोड़ के। पर 10 रुपये के इतने से देता है, पर उसका टेस्ट जो होता है खा के मज़ा ही आ जाता है। तो आज वही टेस्ट चंदू भाई ने अपने हाथों से बनाया है, और तो कहीं से नहीं बनाया, हाथों से ही बनाया है। और दोस्तों, मैं सोच रहा था कि मैं रेलवे स्टेशन जाऊँ और बहुत सारी ये वाली चाट खरीद कर लेकर आया हूँ, फिर सोचा कि क्यों नहीं आऊँ घर पर ही सारा सामान इकट्ठा करके, तो हम सब मैं और पंकज भाई घर पर ही बना ले टेस्टी सी चाट। तो ये आपके सामने बना ली हमने टेस्टी चाट, बन गया चंदू भाई आज मेरी वजह से चैलेंज करके, मजा आएगा चैलेंज करके। और चंदू भाई आज मेरी वजह से बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया बारिश की वजह से। मैं सोच रहा था कि बंद हो जाए तब जाऊँ, पर मैंने चंदू भाई के काफ़ी फोन आ रहे थे, तो मैंने कि चलो बारिश में नहाते हुए निकलते हैं। तो पंकज भाई, आप देर ना करते अपना लुत्फ उठाते चाट का। तो दोस्तों, आने वाले को मिलेगी सजा, देर ना करते अपना चैलेंज शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। तो दोस्तों, मजा आ गया काफी, काफी उसने बटिया खाई थी सुबह, बटिया ही बटिया हो गई। चंदू भाई, ट्रेन में तो ये 50 प्लेट बन जाती इतने सारे में, तो 50 लोगों के बराबर। हाँ, हम दोनों का ट्रेन में देते हैं 10 रुपये के इतने से देते हैं। आओ चने वाली किसी दिन बेचने चले। हाँ, चंदू भाई आज मजा आ रहा है टेस्ट ले लेके खाने में। चंदू भाई, इतने सारे चने खाओगे, उस दिन भुटिया वो कॉर्न चाट बनाई थी उसकी तरह सुबह सुबह कॉर्न। मेरे नहीं निकले थे, मैं तो चबा के खाता हूँ ना। अच्छा, तो हजम हो जाते हैं, तो वो करना अगर लगल के खाते हैं तो वो साबित निकलते हैं फिर सुबह सुबह, पता ही होगा आपको। चंदू भाई, इतनी चाट लग दी, थोड़ी लगनी चाहिए थी, कौन खाता है इतनी? पंकज भाई, जो हम कहीं देखते हैं बेकरी वाले पर, तो मैंने ऐसा लल्ला चाहता है ज्यादा खाने के लिए, पर वहां थोड़ी सी ही मिल पाती है, तो सोचा है कि आज ज्यादा ही खा के देखे। फिर भी कुछ भी खाओ दोस्तों, काफी टेस्टी बना दिए चंदू भाई ना, एकदम ऐसा लगा ट्रेन वाली चाट खा रहे हैं। मैं और चंदू भाई सोच रहे हैं कि क्यों ना अब ट्रेन में चाट भी ला करेंगे, मजा आएगा, सफर भी हो जाया करेगा, फिरेगा, घूम लिया करेंगे और पैसे भी कमा लिया करेंगे कुछ खर्चे के लिए।
दोस्तों बाइक से आ रहा था तो भींगते भींगते और बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, ठंड लग गई थी इतनी तेज ठंड लग रही थी, और यहाँ खाते वक्त वही पसीना निकल आया, इतनी गर्मी हो गई, तो कुछ भी कहो मज़ा आ गया। टेस्टी टेस्टी चाट के साथ मेरी हो गई जीत, हार गए पंकज भाई। पंकज भाई जो उसमें दो मिर्च डाली थी हरी वो बहुत ही ज्यादा तीखी थी, तो जीत तो गया और खा भी लिया, पर पता नहीं ये पचेंगे कैसे, रात में कहीं गलबली नहीं हो पेट में। पंकज भाई रात में घोड़े में तो तुम्हारे तो होगी जरूर गलबली, घोड़े मत बन जाना तुम। ओम बंसी वाले जीत गए, कल चने ही चने। तो दोस्तों चाट जो थी काफी कम लग रही थी, मतलब थी कम, तो खाने के बाद पता चला कि हाँ चाट है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थी। ये प्लेट तो हमारी बहुत बड़ी है वैसे, और वीडियो में कुछ छोटी सी दिखाई देती है। हाँ ये देखना कितनी बड़ी है दोस्तों, दिख नहीं रही होगी आपको, देखो। तो दोस्तों आज के चैलेंज में मैं जीत गया, पंकज भाई हार गए। दोस्तों आज का चैलेंज काफी टफ रहा, और चंद भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से और तेजी से गाया, आज चंद भाई जीते हैं, तो सजा में मेरे लिए ये लाए हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, एक बार तो मैं खा चुका जी, अब मैं दोबारा खा रहा हूँ, देख सकते हो ये दवाई डली हुई, क्यों खा रहा हूँ मैं बता दूं, अभी जो पनिशमेंट ली थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा से पनिशमेंट ले रहा हूँ। आज चंद भाई बहुत ही ज़्यादा फायदे में है, मतलब दोबारा सजा दे रहे हो मुझे। ये लो ये है, थोड़ा सा डलना है यार, ज़्यादा खाने से कोई दिक्कत है, थोड़ी इससे क्या है कि तुम बीज कर आए हो तो परेशानी नहीं हो जाए, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह नहीं हो जाए। तो देखो दोस्तों चंद भाई कितना ख्याल रखते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं बारिश में भींग के आया हूँ, तो इसलिए खांसी की दवा दी है चंद भाई ने, ये पनिशमेंट नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो पंकज तो मजा आ गया, दो दो बार पनिशमेंट ले रहे हो। चंद भाई ये कौन सी तरीके की चाट बना दी दोबारा से तुमने, बहुत ही ज्यादा टेस्टी पनिशमेंट है, देखो खा के स्वाद आएगा मजा। ये कड़वी है अभी तो, कड़वा कड़वा जेगा फिर से जेगा। मुझे तो लग रहा है भाई आपको अच्छी लग रही है तभी दोबारा खा रहे हो। ये तुम्हारी वो है, कैमरा ही चालू नहीं किया था, पनिशमेंट तुम तभी दोबारा ले रहे हो, तुम बहुत आपको अच्छी लग रही है। कैसी लगी एक बार बताओ तो सही, ऐसा लग रही दोस्तों जैसे बाइक होती है ना, बाइक में से ऑयल चेंज कराने हैं, वो ऑयल निकाल के डाल दिया वो। ऐसे तो सोयाबीन दोस्तों सब्जी में और मतलब चाउमीन में कितनी अच्छी लगती है, मोमोज वगैरह में, और कभी मैंने सूखी नहीं खाई, भींगी हुई तो हमेशा खाई हूँ, पर तो सूखी नहीं खाई, आज सूखी खा रहा हूँ। तो मज़ा आ गया, मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैलेंज में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।